Hello friends, I am Dr. Vivek Kumar Srivastava. Welcome all of you in the second lecture of differential equation. और देखिए इस सेकेंड लेक्चर में जैसा पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिग्री और ऑर्डर के बारे में डिफरेंशियल इक्वेशन का, आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन कौन से मेथड है सॉल्व करने के। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको भी ऐसे डिफिनीशन है कवर कर दूँ। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अगर सब्सिडरी ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका सब्सिडरी जो कंडीशंस दिए गए हैं राइट वो एक ही पॉइंट पे दिए गए हैं, जैसे देखिए ये पॉइंट है पाई और पाई, चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे सारे अगर कंडीशंस दिए गए एक ही पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इफ द सब्सिडरी कंडीशन ऑन द अननोन्स फंक्शन, अननोन्स फंक्शन क्या है, इसका अननोन्स क्या है वाई, एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर गिवन एट द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पाई, पाई सारे वैल्यू किसको दी है, एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर गिवन एट द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसी तरीके से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे दोनों सेम दिया था, अगर अलग अलग पॉइंट पे देगा दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इफ द सब्सिडरी कंडीशंस आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ देखिए जीरो था यहाँ वन हो गया, जबकि यहाँ क्या था पाई, पाई सेम था, इसी ने अगर सेम रहेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर डिफरेंट रहेगा ये जीरो है यहाँ वन है, देन वी कॉल क्या बोलेंगे इसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, चाहे वो नेट में चाहे गेट में, वो क्वेश्चंस इसी बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से इसमें मिला के ही पूछता, और मेनली क्या पूछता कॉन्स्टेंट पूछता, जो इसमें इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आता है उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कब मोर देन वन सोल्यूशन होंगे राइट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, यही तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा, जो क्या क्या इन्वॉल्व करे डी वाई बाई डी एक्स और वाई और एक्स। देखिए इसका ऑर्डर वन है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया और इसका पावर भी क्या है वन, यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। अब इसके चार मेथड हैं, ये मैंने स्टैंडर्ड मेथड लिया, इसके अंदर भी कई मेथड हैं, जैसे होमोजीनियस है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है, लीनियर है तो रिड्यूसिबल टू लीनियर, लेकिन मैं इन चारों मेथड को ही डिस्कस करूंगा। और इसमें भी मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और लीनियर से आते हैं या फिर एग्जैक्ट से आते हैं, होमोजीनियस से नॉर्मली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, उसका रीजन एक है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने में। एक और चीज ध्यान में रखिए, सीएसआईआर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो से तीन मिनट में सॉल्व हो जाए मैक्सिमम राइट, तो बहुत बड़े क्वेश्चंस भी नहीं आते, ट्रिकी टाइप के आते हैं, बस आपको ध्यान देना कि इस पॉइंट पे वो हमें क्रैक करना है क्वेश्चन राइट। देखिए पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम डी एक्स इक्वल टू एन डी वाई राइट, और जहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देखिए इसका नाम है सेपरेट हो जाए वेरिएबल, मतलब डी एक्स का जो कोफिशियंट हो सिर्फ एक्स का फंक्शन हो और जो डी वाई का कोफिशियंट हो सिर्फ वाई का फंक्शन हो राइट। देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी वाई डी वाई, अगर इस तरीके से ये सेपरेट हो गया तो इट कैन बी इजिली सॉल्व बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, कुछ नहीं करना इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा राइट। इसके बाद आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में आ जाए एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दोनों आपस में होमोजीनियस हो, इनकी डिग्री सेम हो, होमोजीनियस मतलब हर टर्म की डिग्री सेम हो, पहले तो ये होमोजीनियस हो दोनों फंक्शन और होमोजीनियस होने के बाद दोनों की डिग्री सेम हो, यही लिखा हुआ एफ एक्स और जी एक्स होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, अगर ऐसा हुआ तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे आगे। फिर लीनियर इक्वेशन, देखिए अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी और क्यू दोनों एक्स के फंक्शन हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर राइट। और देखिए अगर ये ऐसा है तो इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर
उसके चौथा मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इसी फॉर्म में लिख दिया आपने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एम और एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है दोनों, ए बी फंक्शन एक्स वाई है, वे बी फंक्शन एक्स वाई, और क्या कंडीशन हो अगर एम को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, देखिए अगर बराबर हो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, एन को एक्स के रिस्पेक्ट में और एम को वाई के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें और बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं और उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड मेथड हैं, राइट। इन सारे मेथड में एक एक प्रॉब्लम कम से कम हम सॉल्व करेंगे, राइट, और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं उन प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो फ्रिक्वेंटली आपको अपडेशन मिल जाएगा, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।